जा सकता है। तो आज हम ये बनाने वाला है कि ये एक इमेज व्यू है और ये एक बटन है। इमेज व्यू पर क्लिक होने पर एक गैलरी खुल जाता है, यहाँ पर आप गैलरी पर भी जा सकते हो, गूगल पर जा सकते हो, कोई भी इमेज चूज कर सकते हो। यहाँ पर इमेज व्यू पर वो इमेज आ गया। अगर मैं कोई और इमेज चूज करूँ तो वो आ जाएगा, और सेंड करने पर सेंड इंटेंट आ जाएगा। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पर किसी को भी सेंड कर सकता हूँ, तो ये सेंड हो जाएगा व्हाट्सएप पर। आप फेसबुक चूज करेंगे तो फेसबुक पर भी सिलेक्ट हो जाएगा। जो कोई भी ऐप शेयर कर सकते हैं यहाँ पर सब आ जाता है। तो आज हम ये बनाने वाले हैं। मैं इसके लिए कोड असिस्ट आईडी यूज कर रहा हूँ। अगर आप एंड्रॉयड पर यूज करें तो वहाँ पर भी हो जाएगा, कोई एक ही बात है। तो मैं ये यूज कर रहा हूँ, माई इमेज नाम देता हूँ। पैकेज नेम जावा मिनिमम एसडीके 23 क्रिएट करता हूँ। तो मैं इसके लिए जल्दी से लेआउट डिजाइन कर लूँगा, कॉन्स्टेंट लेआउट हटा के रिलेटिव लेआउट ले लेता हूँ। हाँ, तो हम लेआउट डिजाइन कर लिए। हमें रिलेटिव लेआउट के अंदर एक इमेज व्यू और एक बटन ले लिया। इमेज व्यू को सेंटर में पेरेंट कर दिया और बटन को इमेज व्यू के बिलो ले लिया और उसको सेंटर हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया। तो अभी हम मेन एक्टिविटी पर चले जाते हैं। मेन एक्टिविटी पर जाके हम पहले उस इमेज व्यू और बटन को डिफाइन कर लेता हूँ। अभी फाइन व्यू कर लेते हैं इमेज व्यू और बटन को। अभी थोड़ा बिल्ड करके देख लेता हूँ। हम इमेज व्यू का ऑन क्लिक लगा लेता हूँ। इमेज व्यू डॉट सेट क्लिक नाम अभी इमेज इमेज के ऊपर क्लिक होने पर हमको तो इमेज को चूज करना है और उसको इमेज के ऊपर सेट करना है। वो कैसा होगा, वो इंटेंट के थ्रू होगा, तो कर लेता हूँ इंटेंट के थ्रू। इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। अभी इंटेंट का टाइप देना पड़ेगा, इंटेंट डॉट सेट टाइप। हमें क्या चूज करना है, इमेज करना है तो इमेज।
अभी ये देने पर जितने भी इमेज होगा हमारे फ़ोन में तो ये सब लाके उस पर दिखा देगा। तो इंटेंट डॉट सेट एक्शन इंटेंट डॉट एक्शन गेट कंटेंट। अभी स्टार्ट एक्टिविटी करना है तो कैसे होगा, strt एक्टिविटी एक्टिविटी वो अभी हमें देना है इंटेंट क्रिएट चूजर इंटेंट कॉमा और हमें टाइटल क्या देना है, टाइटल टाइटल दे देता हूँ कॉमा। यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर पास कर देता हूँ, इंटीजर हमें बाद में चाहिए होगा। यहाँ पर फोन एक्टिविटी रिजल्ट, वहाँ पर अगर यूजर सिलेक्ट कर लिया तो हमें इस इंटीजर से पता चल जाएगा क्योंकि ये इंटीजर फोन एक्टिविटी रिजल्ट पर पास करेगा। फोन एक्टिविटी रिजल्ट यहाँ पर ये जो इंटीजर आर्गुमेंट है यहाँ पर वो पास कर देगा आर्गुमेंट यहाँ 0 पर रिक्वेस्ट कोड पर। तो इफ जीरो इज इक्वल टू 1 मतलब वहाँ पर यूजर ने सिलेक्ट कर लिया कोई एक इमेज, तो क्या करना है उस इमेज का एक URI बना लेना है। URI इज इक्वल टू यहाँ पर जो इंटेंट है इसका डेटा दो हमें, इस इंटेंट का डॉट गेट डेटा। अभी जो इस डेटा है URI को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी इस URI को सेट करना है img डॉट सेट इमेज URI। तो अभी आपको बिल्ड करता हूँ और देखता हूँ इमेज सेट होता है कि नहीं। और उससे पहले हम इस इमेज व्यू को एक src दे देता हूँ। src हमें मैं एक फ़ाइल डाउनलोड करके रखा हूँ, फाइल मैनेजर पर जाके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इस फाइल का ड्रॉएबल में दे दूँगा।
हाँ तो मैंने जो इमेज व्यू है, इस इमेज व्यू का जो मैं इस प्रोजेक्ट के जो ड्राइवर है यहाँ पर एक मैं इमेज व्यू फॉन्ट आइकन से डाउनलोड करके रखा हूँ, वही इस इमेज व्यू पर सेट कर देता हूँ SRC पर, एंड्रॉयड SRC सिकल टू एट द रेट। आप एक इमेज डाउनलोड फ्रॉन्ट आइकन से डाउनलोड कर लो और सेट कर दो स्लैश नो इमेज नाम है उसका, तो अभी बिल्ड करता हूँ इसको। अभी इस इमेज व्यू पर क्लिक करता हूँ, ठीक है खुल गया। अभी इस अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि इस बटन पर क्लिक होने पर कैसे शेयर वाला प्रिंटेड खुलता है और वहाँ से हम व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस बटन को क्लिक होने पर शेयर कैसे करते हैं इस इमेज को।